हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ राजी फिल्म के 6 दिनों के कलेक्शंस के बारे में। मैंने आपको फिल्म के रिलीज होने से 2 से 3 दिन पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म सुपर हिट होने वाली है, क्योंकि मुझे एक इंडिकेशन ऐसा फील आ रहा था ट्रेलर देखकर, गाना देखकर, कि भैया ये फिल्म जिस हिसाब से बनने वाली है कमाल की होने वाली है। वो पूरी तरह से मैं आई थिंक सही साबित हो रहा हूँ। हिट स्टेटस इसे ऑलरेडी मिल गया, सुपर हिट स्टेटस जल्दी मिल जाएगा आपको। चलिए बता देता हूँ इसके कलेक्शंस क्या हुआ है। 7.53 करोड़ पहले दिन की कलेक्शंस है। दूसरे दिन इसका कलेक्शंस था 11.30 करोड़, जो बहुत ही बढ़िया था और करीबन 50% के ऊपर ग्रोथ मिला था। सैटरडे को 14.11 करोड़ की कमाई की थी, जो अब तक की फिल्म की बेस्ट कमाई है। अब सबसे अच्छी चीज़ आपको बता दो, मंडे से लेकर वेडनेसडे का कलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मंडे को 6.30 करोड़ की कमाई, ट्यूजडे को 6.10 करोड़ की कमाई, बुधवार यानी कल के 5.90 करोड़ की कमाई, यानी कि बहुत ही स्टेबल चल रहा है कलेक्शन, थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो रहा है बस। और टोटल हो चुका है 6 दिन के बाद 51.24 करोड़। जी हाँ, 51.24 करोड़। अब यहाँ से आपका माथा खनका होगा, आपको ये लगता होगा क्या सूर्या भाई ये 100 करोड़ तक जाएगी? तो नहीं, 100 करोड़ तक तो नहीं जा पाएगी, लेकिन हाँ इतना साफ है कि 80 से 90 करोड़ यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। और 100 करोड़ चली गई तो बहुत अच्छी बात होगी। और 100 करोड़ के लिए मैं मना इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि कई सारी फिल्में आ रही है क्लैश होने वाला है, अदरवाइज आई थिंक मैं मना नहीं करता 100 करोड़ के लिए भी। लेकिन देखते हैं, अगर 100 करोड़ तक चली गई तो बहुत बड़ी विन होगी आलिया भट्ट के लिए। बट हाँ, ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है, 100 करोड़ कमाती मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये फिल्म इतनी बढ़िया है कि मैं यही कमेंट करूंगा सभी को कि आप प्लीज़ देखिए। आई होप आपको 6 दिनों के कलेक्शन अभी पता चले होंगे। फाइनल कलेक्शन भी बता देता हूँ, 51.24 करोड़ यानी कि 51 करोड़ हो चुके हैं। आपको आप कितने खुश हैं जानकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।